और जब हम आगे बढ़ते हैं आज बौन गांव में, और मैं बिल्कुल बौन गांव की बात करूं, ये बौन गांव जो है हमारे टीवी सांसद हैं श्रीमती शाह जी ने इस गांव को गोद ले रखा है। और जब हम उस गांव में पहुंचते हैं तो कुछ सर्वे कर रहे हैं कि आदर्श गांव यदि लिया गया है तो क्या है इस गांव की गतिविधि, हमें यहाँ पर मिलते हैं पडियार जी। पडियार जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह पडियार। पडियार जी, आपका क्या बिजनेस करते हैं आप? भेड़ पालन की वो करते हैं। भेड़ पालन का बिजनेस करते हैं आप पडियार जी? कितनी बकरियां आपके पास अभी? 30-35। जीवन 30-35। क्या आप इस बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं? बढ़ाना चाहते क्या हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या आपने कभी लोन वगैरह अप्लाई किया? कर रखे हैं, लोन करवाया। कहां से करवा रखा है आपने? उद्योग विभाग से। उद्योग विभाग से आपने फाइल लगा रखी है? कब लगाया थी आपने फाइल? हो गए 4-5 महीने हो गए। 5 महीने से ज्यादा हो गया टाइमिंग। क्या बोला उन्होंने आपके लिए? कह रहे थे मार्च में। अब मार्च में लग रहा आपको मिलेगा? कभी पहले भी आपने अप्लाई किया था? कभी पहले लोन लिया आपने? पहली नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप। कभी बीच में लगाए हो, फाइल नहीं बनी, ऐसा कुछ? तो क्या उम्मीद आपको लग रहा, क्या मिल पाएगा? देखो, बता तो रखा है उन्होंने तो भगवान। और आप देख सकते हैं कि पडियार जी का बोलना है कि 5 महीना हो गया, फाइल लगी हुई है, और उद्योग विभाग का कहना है कि मार्च में इनको लोन मिलेगा। और आप सोच सकते हैं कि मार्च में तो शायद ही सरकार के अपने बजट फाइनल होते हैं। क्या देखते हैं ये गांव जो गोद दे रखा है हमारे टीरी सांसद जी ने, क्या वास्तविक की यहाँ पर सुनवाई होती है, और क्या इनको लोन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। शायद मार्च के महीने में ये तो बताना नामुमकिन है कि शायद लोन मिल पाएगा। फिर भी देखते हैं पडियार जी, उम्मीद करेंगे कि सरकार और हमारे जो जिला प्रशासन है इस चीज को ध्यान देंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनको लोन मिलना चाहिए ताकि वो बिजनेस को बढ़ा सकें और हमारा जो स्टेट है वो मजबूत हो सके। बहुत बहुत पडियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार के लिए? कभी रानी जी आपके गांव आई हैं? आई होगी तो सरकार, हम तो देखे भी। आपने कभी उनके पास एप्लीकेशन नहीं लगाए? आपने कभी नहीं देखा? क्या आपको पता है आपका गांव गोद ले रखा है सरकार ने? पता है। कुछ फायदा हुआ आपको उस चीज का? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ? क्या कुछ गाँव वालों को रोजगार मिला हो, कुछ रोड बनी हो, बिजली लगा, ऐसा कुछ हुआ? बहुतों को रोजगार मिला। दिया क्या उसको फायदा हुआ है आखिरकार? रानी ने दिया होगा, जो भी होगा आपको कंफर्म नहीं है। देखिए, राजेंद्र जी का कहना है कंफर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इनको लोन मिलेगा। एंड सूर्यांश कैमरामैन के साथ महेश बोगड़ा, उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा आदर्श गांव बौन से।